करवा चौथ का व्रत 27 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जाएगा। इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय महिलाओं को मासिक धर्म आ जाते हैं, तो व्रत उनके लिए असमंजस का विषय बन जाता है। वैसे तो मासिक धर्म भी भगवान की ही देन है। आपको बता दें, मासिक धर्म कभी भी आ सकते हैं, इसलिए एक महिला को मासिक धर्म के दौरान 7 दिनों तक पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान महिलाएं पूरी तरह से अशुद्ध मानी जाती हैं। ये प्रथा आज ही नहीं है, ये सदियों पुरानी प्रथा है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सर्गी से की जाती है। अगर आप मासिक धर्म के दौरान व्रत रख रही हैं, तो सर्गी में कुछ पौष्टिक आहार ही खाएं, जैसे सेब और कुछ ड्राई फ्रूट्स। रोटी और उपमा को आहार में शामिल करने से आप पूरे दिन खुद को भरपेट और एनर्जेटिक महसूस करेंगी। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, इनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें तेजी से भूख भी लगती है, उनके शरीर से लगातार रक्त का कम होना उन्हें कमजोर बना देता है। इसलिए हो सके तो मासिक धर्म के दौरान व्रत ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बड़े बुजुर्ग भी ये बात कहते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिला अशुद्ध हो जाती है और ऐसे में उन्हें पूजा भी नहीं करनी चाहिए। प्राचीन काल से स्त्रियों को मासिक धर्म के समय मंदिर और पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। ऐसे में महिलाओं को करवा चौथ का भी व्रत नहीं रखना चाहिए और ना ही उन्हें नए वस्त्र पहनने चाहिए और ना ही उन्हें सजना और सवरना चाहिए। ज्यादातर महिलाओं को ये बात पता नहीं होती कि मासिक धर्म के दौरान उन्हें व्रत करना है या नहीं। तो अगर बात यहाँ शास्त्रों की करें तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का वर्णन होता है कि कभी भी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस दौरान क्या अगले आने वाले 7 दिनों तक उनको पूजा से जुड़ा हुआ कोई भी धार्मिक काम नहीं करना चाहिए। इन 7 दिनों तक महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। Next9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।